बेल का मैं नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर आज बताने वाला हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अधिकतर लोग किस तरीके से अप्रोच करते हैं, फिर फेल हो जाते हैं, फिर बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग काम नहीं करता है, ये काम नहीं करता है, नेटवर्क मार्केटिंग मेरे से नहीं होगा। तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको क्लियर करता हूँ, एक उदाहरण के थ्रू, कि किस तरीके से लोग अप्रोच करते हैं, क्या करते हैं। एक प्रोस्पेक्ट को मैं जो उसको लेना चाहता हूँ वो है राम। राम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर ज्वाइन किया हुआ रहता है, उसने कुछ ट्रेनिंग्स नहीं लिया है। राम क्या करता है, अपने एक शादी होती है अपनी फैमिली में, उस शादी में जाता है और शादी में उसको एक फ्रेंड, पुराना फ्रेंड मिलता है, स्कूल फ्रेंड मिलता है। वो बोलता है, हाँ हेलो राम, क्या कर रहा है भाई? बोला, मैं एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ कोलाबरेट हूँ जो कि हम 30,000 करोड़ का टर्नओवर जनरेट करने वाले। तो बोला, पूजा, पूजा का क्या हाल है, पता है तुम्हें पूजा का? राम के मैंने पूछा, यार मैंने इतने अच्छे तरीके से बताया, इस गधे को समझ नहीं आया? मैं 20 साल पुरानी कंपनी के साथ जुड़ रहा हूँ, 30,000 करोड़ का टर्नओवर टच करने वाले हैं और इंटरनेशनल ब्रांड, इसको समझ नहीं आया, पागल है? तो बोला, ये तो नहीं है, ठीक है। फिर वहाँ से वो चला जाता है, उसने वो समझी नहीं है, वो बात बदल देता है। फिर थोड़ा आगे और जाता है, उसका एक कजिन मिलता है, बोला, अब तो इसको ज्वाइन करा के रहूँगा, बस इसको अलग तरीके से बताऊँगा। तो उसका कजिन पूछता है, हेलो राम, क्या करते हो? बोला, मैं एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, हम लोगों की हेल्प करते हैं इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनने में। अब उसको समझ ही नहीं आता इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर होता क्या। बोला, तुमने वो जलेबी चखी है मलाई के साथ, कैसे बड़ी मस्त लगती है, चलो वो खाते आते। बोला, यार इसको इतना अच्छा समझाया, सुन ही नहीं रहा यार, मेरी इग्नोर कर रहा है मुझे, क्या हो रहा है यार ये इस गधे को समझ ही नहीं आ रहा मैं जो बताने जा रहा हूँ, मैं इतना अच्छा बता पा रहा हूँ फिर भी नहीं समझ पा रहा है। फिर उसके दूर के रिलेटिव के भाई है, बोला, इसको तो पक्का ज्वाइन करा पाऊंगा, अब तो मुझे ये प्रोस्पेक्ट मिल गया, इसको इतना अच्छे तरीके से बताऊंगा। उसका जो दूर का भैया है वो क्या बोलता है, और राम क्या कर रहा है? बोला, मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, एक इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा हूँ, उसके थ्रू हम बहुत सारे अच्छे वर्क करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं। बोला, और बता राम घर कब आ रहा है? यार इसने मुझे इग्नोर करती, ये भी नहीं समझ पा रहा है, यार इतने अच्छे तरीके से बता रहा हूँ फिर भी ये नहीं समझ पा रहा है। बोला, घर कब आ रहा है? तो एटलीस्ट वो घर पे आते हैं। बोला, यार नेटवर्क मार्केटिंग काम नहीं करता है यार, ये सारी चीज़ें ना मेरे लिए नहीं बन रही, मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर दोबारा 3 महीने बाद नेक्स्ट शादी होती है, उसमें दोबारा जाता है, वही सेम उसके फ्रेंड से मिलता है। तो राम उसको पूछता है, हेलो दोस्त, क्या करता है? बोला, मैं लोगों की नेचुरली वेट लॉस करने में हेल्प करता हूँ और उनको एक इनकम जनरेट करने का सोर्स भी बता रहे हैं। बोला, यू आर नेटवर्क मार्केटिंग? यस। बोला, तुझे बताया तो सही था मैंने 3 महीने पहले नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। बोला, तूने कब बताया? शायद सोचा, यार कोई मेरा प्रोस्पेक्ट चुरा रहा है, तो डेफिनेटली मेरा प्रोस्पेक्ट चुरा रहा है अब तो कोई। फिर उसके भाई के पास जाता है, जो उसका कजिन फ्रेंड होता है, कजिन होता है, उसके पास जाता है। बोला, अब तो इसको ज्वाइन करा पाऊंगा। बोला, हेलो, हाँ जी ब्रो, क्या करते हो? कजिन वाले से बोलता है। बोला, हम नेचुरली लोगों को एक यंगेस्ट दिखने में उनको कुछ सप्लीमेंट देते हैं और उनकी हेल्प करते हैं ताकि वो एक अडल्ट एज में भी एक यंग दिखे, एक अच्छे तरीके से अपनी बॉडी मेंटेन करे, एक यंग तरीके से दिखे। यू आर नेटवर्क मार्केटिंग? यस। कब ज्वाइन किया? अभी 2 महीने पहले तो ज्वाइन किया है। बोला, तुझे बताया तो था मैंने 3 महीने पहले, तूने मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया। बोला, तूने कब बताया? मच पा रहे हो, अब तो पक्का कोई मेरा प्रोस्पेक्ट चुरा रहा है, डेफिनेटली मेरा प्रोस्पेक्ट चुरा रहा है। फिर अपने भैया के पास जाता है दोबारा, अब तो इसको पक्का प्रोस्पेक्ट बना पाऊंगा। तो भैया के पास जैसे ही जाता है ना, तो वहाँ पे बोलता है, हेलो भैया, क्या करते हो? बोला, मैं अपनी कंपनी के साथ एक मलेशिया का टूर जाता हूँ और मैं लोगों की हेल्प करता हूँ कि वो फ्री में किस तरीके से ट्रैवल कर पा रहे। यू आर नेटवर्क मार्केटिंग? हाँ, मैंने अभी 1.5 महीने पहले ज्वाइन करा है, मैं तो तुम्हें ज्वाइन कराने वाला था राम। बोला, तुम्हें बताया तो था भैया मैंने 3 महीने पहले। बोला, कब बताया था तुमने? अब राम घर आता है और बोलता है, यार अब तो कोई मेरा प्रोस्पेक्ट पक्का चुरा रहा है, यार मेरे तीनों प्रोस्पेक्ट चुरा लिए, क्या हो रहा है ये? अब तो कोई मेरा पक्का प्रोस्पेक्ट चुरा रहा है, इसको पता करना पड़ेगा, इसको मतलब जान से मार, मेरा प्रोस्पेक्ट चुरा रहा है। बट इसी तरीके से वो किसी ट्रेनिंग सिस्टम में जाता है, बोलता है, यार इस तरीके से हो रहा है। बोला, तुम्हें सही अप्रोच ही नहीं आती है। मुझे बताओ साहिल, मुझे बताओ राम, क्या उन लोगों ने जो वर्ड यूज किए
कैसे यूज किया, कहाँ से सीखा उन्होंने वर्ड यूज करना, उन्होंने ट्रेनिंग लिया। आपने ट्रेनिंग नहीं लिया, आप विदाउट ट्रेनिंग बता पा रहे हो, तो मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाले, उन्होंने क्या बोला ताकि आपको समझ आ गया, पर जो आपने बताया उसको समझ में नहीं आया, तो हमें वो नहीं बताना है जो सामने वाले को समझ ही ना आए, हमें उतना बताना एक्जेक्ट जो सामने वाले की समझ आए, उस समझ पाए। हमारे अंदर जितना नॉलेज है ना वो उसको सामने वाले को ट्रांसफर नहीं करना है, हमें उतना ही नॉलेज उसको देना है जितना कि उसके समझ आए। आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग में हम गलती क्या करते हैं, बस मुझे जितना आता है मैं तो उसको एकदम से थोप देता हूँ, क्या वो उसका सॉफ्टवेयर सपोर्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि आप है कोई फोन आप जो यूज कर रहे हो उसकी 2 GB रैम है और 8 GB इंटरनल स्टोरेज है, अब उसमें आप भरोगे 8 GB के अंदर 16 GB तो सपोर्ट करेगा, नहीं करेगा ना। तो सिंपल सी बात है, उसका सिस्टम जो सपोर्ट कर रहा है उतना ही बताओ ना उसको, उसका सिस्टम सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। आप फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट को कॉस थीटा साइन थीटा समझ आ रहे हो, उसको ABCD समझ में नहीं आती है, आप उसको कॉस थीटा साइन थीटा समझाओगे तो समझ में आएगा उसके, नहीं आएगा ना। तो सेम चीज़ हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर यही करते हैं कि वो फर्स्ट क्लास के अंदर आया नहीं, उसको ABCD नहीं आती, उससे पहले हम उसको कॉस थीटा साइन थीटा समझाने लगते हैं, उसको समझ में नहीं आता है, वो लोगों से मना कर देता है। तो हमें ना एक्जेक्ट बताना शॉर्ट जो सामने वाले को समझ आ पाए, हमें उतना नहीं बताना जितना हमें आता है, वो तो बाद में बताएंगे, बट उसको समझ आए उतना बताना है एग्जैक्ट तरीके से वो आप इस ट्रेनिंग में सीख रहे हो ये सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको कुछ पहले बताए थे। इस तरीके से मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आऊँगा। बाकी ऑल द बेस्ट, गो सेल्फ ग्रोइंग फॉरएवर, बने रहिए। अगर नए हो चैनल पर लाइक करो एंड बेल आइकन हिट करो, सब्सक्राइब करो। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर, ऑल द बेस्ट।